गुड इवनिंग दोस्तों, मैं मोहित जैन। मेरे यूट्यूब चैनल मैस भाई मोहित जैन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। देखिए प्यारे बच्चों, आज हम तिर्यक रेखा के बारे में पढ़ेंगे कि तिर्यक रेखा क्या होती है और तिर्यक रेखा के द्वारा बनाए गए कौन कौन से कोण होते हैं, उनके बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। देखिए प्यारे बच्चों, सबसे पहले तिर्यक रेखा क्या है? तो तिर्यक रेखा होती है आपकी वह रेखा जो अन्य दो रेखाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर काटती है, तिर्यक रेखा कहलाती है। तिर्यक रेखा वह रेखा होती है जो अन्य दो रेखाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर काटती है। तो एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे ये वाली रेखा है और एक आपकी ये रेखा है। अब ये दोनों रेखाएं हैं, इनको एक तीसरी रेखा ऐसे काट रही है और देखिए आप अलग अलग बिंदु पर काट रही है, यहाँ पर अलग काट रही है और यहाँ पर अलग काट रही है, तो ये रेखा आपकी तिर्यक रेखा कहलाएगी। ओके बच्चों, आप खुद देख सकते हैं, वह रेखा मतलब तिर्यक रेखा, वह रेखा जो अन्य दो रेखाओं को अलग अलग बिंदुओं पर काटती है, तो आपके सामने दिखाई दे रहा है। अब देखिए प्यारे बच्चों, ये रेखा ऐसे भी हो सकती है, इनको ये तिर्यक रेखा काट रही है, तो ये बेटा आपकी कैसी रेखा कहलाएगी? तिर्यक रेखा कहलाएगी। ओके, देखिए यहाँ पर एक बात सुनेंगे, ये तिर्यक रेखा है ठीक है, और ये दोनों कैसी रेखाएं? प्रतिच्छेदी। और ये तिर्यक रेखा है और यहाँ पर ये दोनों रेखाएं कैसी हैं? समांतर। ठीक है, लेकिन आपको पढ़ना है यहाँ पर तिर्यक रेखा क्या होती है, वह रेखा जो अन्य दो रेखाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर काटती है वो आपकी तिर्यक रेखा कहलाती है। तो पहले आप स्क्रीनशॉट ले लें तिर्यक रेखा का, जिससे हम आगे बढ़ सकें। अब देखिए प्यारे बच्चों, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं बेटा तिर्यक रेखा द्वारा बनाए गए कोण। भाई तिर्यक रेखा कौन कौन से कोण बनाती है ये हमें पता होना भी चाहिए। तो तिर्यक रेखा द्वारा बनाए गए कोण भाई तिर्यक रेखा कौन कौन से हमारे कोण बनाती है ये हमें पता होना जरूरी है। अब देखिए सबसे पहले मान लीजिए ये वाली रेखा और ये वाली रेखा आपको जैसा डायग्राम में दिखाई दे रही है, ये है प्रतिच्छेदी रेखाएं और इनको ये तिर्यक रेखा आके ऐसे काट रही है, राइट। अब आप देख पा रहे हैं तो यहाँ पर एक तो कोण एक बन रहा है, ये कोण आपका दो, ये आपका तीन, ये वाला कोण चार, ये आपका पाँच, छ, सात और आठ। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर टोटल आठ कोण बन रहे हैं। अब आठ कोणों के बारे में हम नंबर वाई पढ़ेंगे। पहला आपका होता है बेटा बाह्य कोण, कौन से कोण? बाह्य कोण। अब नाम से पता लग रहा है बाह्य कोण जो बाहर की तरफ बनेंगे बाह्य कोण होंगे। तो देखिए बाहर की तरफ बन रहे हैं एक, दो, सात और आठ, ये आपके बाह्य कोण होंगे, कोण एक, कोण दो, कोण सात और कोण आठ, ये आपके बाह्य कोण हो गए। दूसरा नंबर की बात करें अंतःकोण, तो यहाँ पर अंतःकोण कौन कौन से होंगे? अंतःकोण होंगे जो अंदर की तरफ बन रहे हैं, और अंदर की तरफ बनने तीन, चार, पाँच और छः, कोण तीन, कोण चार, कोण पाँच और कोण छः, ये आपके बेटा हो गए अंतःकोण, अंदर की तरफ बन रहे हैं इसलिए अंतःकोण बोलेंगे। तीसरा नंबर की बात करें नेक्स्ट नंबर एकांतर कोण, और मैंने आपको बताया था एकांतर कोण के बारे में थोड़ा सा पहले। एकांतर कोण आप याद रखेंगे जेड आकृति होती है, कौन सी आकृति बनती है? जेड। तो आप यहाँ पे जेड आकृति देखते हैं कैसे बन रही है। देखो ये आपको दिख रहा है जेड आकृति, सभी बच्चों को दिखाई दे रहा होगा, ये आपकी जेड आकृति। तो कौन कौन से कोण बन रहे हैं जेड आकृति में?
तो आप देख पा रहे हैं एक तो बन रहा है आपका कोण तीन और एक बन रहा है कोण पाँच। तो कोण तीन और कोण पाँच आपके एकांतर कोण कहलाएंगे। कौन से कोण कहलाएंगे बेटा? एकांतर कोण कहलाएंगे। कोण तीन और कोण पाँच आपके एकांतर कोण कहलाएंगे। ठीक है, अब बात देखें जेड आकृति। ध्यान रखना जेड आकृति सीधी भी बन सकती है और उल्टी भी बन सकती है। तो जेड आकृति आपको इधर भी दिखाई दे रही होगी इस तरीके से उल्टी विपरीत साइड, ये आपको जेड आकृति दिखाई दे रही है। कौन कौन से कोण बन रहे हैं? तो आप देख पा रहे हैं चार और छः। तो कोण चार और कोण छः आपके होंगे एकांतर कोण, राइट। कोण चार का एकांतर क्या होगा? छः होगा। कौन सी आकृति? जेड आकृति आप याद रखेंगे। अब नेक्स्ट नंबर की बात करें चौथा पॉइंट, अब आता है आपके संगत कोण। अब बेटा जो संगत कोण होता है इसको जरूर हमें देखना है, ढंग से देखना है। ठीक है, पहले बेटा आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें सभी, जिससे मैं आगे बढ़ पाऊँ, इसको रब कर लूँ और आगे बढ़ पाऊँ। एक बार स्क्रीनशॉट ले लें सभी बच्चे। अब देखिए बेटा संगत कोण क्या होता है? संगत का मतलब होता है बेटा, संगत का मतलब अगर कोई पूछे आपसे संगत का मतलब, तो आप बोलेंगे एक जैसी स्थिति, एक जैसी स्थिति, एक जैसी स्थिति या फिर पोजीशन, एक जैसी स्थिति या एक जैसी पोजीशन, है ना, याद रखेंगे आप संगत के लिए। तो देखिए आप कैसे याद रखेंगे एक जैसी स्थिति। देखिए ये कोण एक है, इस कोण एक का मुख इधर की तरफ है, इस दिशा में है। तो आप देखिए इस दिशा में किसका मुख है? तो आप देख पाएंगे इसका मुख है पांच वाले कोण का, इसका मुख भी इधर की तरफ ही है। तो याद रखना कोण एक का संगत कोण होगा पांच। ऐसे कोण दो का निकालें, तो कोण की दो की डायरेक्शन इधर है, तो कोण छः की डायरेक्शन भी इधर ही है। तो कोण दो और कोण छः आपके कैसे होंगे? संगत कोण। कौन से कोण? संगत कोण। एक जैसी स्थिति, इधर इसका मुख भी इधर की तरफ है, इसका मुख भी इधर की तरफ है। अब आगे देखिए आप बेटा कोण तीन, कोण तीन का एक संगत कोण क्या होगा? कोण तीन नीचे की साइड है, तो नीचे की साइड देखिए सात है, राइट। लेकिन मुख देखना आपको किधर की साइड है। कोण तीन का हो गया कोण सात, और ऐसे कोण चार का किधर हो जाएगा? कोण आठ। ये आपके संगत कोण कहलाते हैं। संगत कोण में केवल आपको डायरेक्शन देखनी है, कोण का मुख देखना है किधर की तरफ है। अगर कोण का मुख ऊपर की तरफ है तो इधर की साइड देखिए एक का मुख किधर की तरफ है, एक का मुख और कोण पाँच का मुख एक साइड है, दो का छः, तीन का सात और चार का आठ, ये आपके संगत कोण कहलाते हैं। आप डायग्राम से भी देख पा रहे होंगे, और मैं डायग्राम को थोड़ा अच्छा खुल के बना देता हूँ जिससे आप और बढ़िया देख पाए। इधर देखिए आपका ये दोनों रेखाएं तो आपकी प्रतिच्छेदी हैं, इनको काट रही है तिर्यक रेखा, और आप देख पा रहे हैं ये कौन बन रहे हैं? एक दो तीन चार पाँच छ सात और आठ, ये आठ कौन बन रहे हैं। ठीक है बच्चों, अब देखिए इस एक का मुख इधर की तरफ है और इस पाँच का मुख भी इधर की तरफ है, सेम है डायरेक्शन। तो एक का संगत हो जाएगा पाँच, दो का मुख इधर की तरफ है, छः का मुख भी इधर की तरफ है, तो दो का संगत क्या हो जाएगा? छः। ऐसे आप देखिए तीन का संगत क्या, तीन का मुख इधर की तरफ है, सात का मुख भी इधर की तरफ है, तो तीन का संगत हो जाएगा सात, और चार का मुख नीचे की तरफ है और आठ का मुख भी नीचे की तरफ है। ऐसे ही कौन चार का संगत कौन हो जाएगा? कौन आठ। तो आप समझ पाए होंगे, जहाँ तक मैं समझता हूँ कोई परेशानी नहीं आई होगी आपको। ठीक है, तो ये आपके संगत कौन होते हैं। ओके, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें पूरे का, जिससे आपको कहीं परेशानी नहीं आए। ठीक है, तो तिर्यक रेखा द्वारा बनाए गए कौन आप सभी को पता होना चाहिए, बाह्य कौन, अंत्य कौन, एकांतर कौन, संगत कौन। आगे बढ़ते हैं इसमें, नेक्स्ट नंबर, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, अब मैं आगे बढ़ता हूँ। अब देखिए बेटा अब की बार देखिए, अब की बार हमने ये दोनों रेखाएँ प्रतिच्छेदी ली थी और इनको काट रही थी तिर्यक रेखा, लेकिन अब की बार मैं कंडीशन चेंज कर रहा हूँ। अब की बार मैं ले रहा हूँ कि दो समांतर रेखाओं को जब एक तिर्यक रेखा काटे, क्या ले रहा हूँ? दो समांतर रेखाओं को जब एक तिर्यक रेखा काटती है, जब एक तिर्यक रेखा
काटती है तब क्या होता है? दो समांतर रेखाएं उनको जब तिर्यक रेखा काट रही है तब क्या होता है? तो आप देखिए ये आपकी दो समांतर रेखाएं हैं और इनको तिर्यक रेखा काट रही है इस तरीके से, तो आप देख पाएंगे यहाँ भी कौन बन रहे हैं, आठ, एक दो तीन चार पाँच छ सात और आठ, आठ कौन बन रहे हैं। अब इन आठों के बारे में हम पढ़ेंगे, दोबारा से पढ़ेंगे, लेकिन देखिए पिछली बार जो कंडीशन थी उसमें तो ये दोनों रेखाएं प्रतिच्छेदी थी, लेकिन अब की बार ये दोनों रेखाएं समांतर हैं, और जब दो रेखाएं समांतर हों और जब उनको तिर्यक रेखा काटे तो कुछ चीज़ें नई जुड़ जाएंगी, वो नई बातें आपको याद रखनी है, और यही डायग्राम आपके सबसे ज़्यादा काम आएगा, ये आपके सर्वांगसम में भी काम आएगा, ध्यान रखना, सॉरी सर्वांगसम समरूप में काम आएगा, ये आपका मेंस्ट्रुएशन के अंदर भी काम आएगा, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ध्यान रखना आपका। जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटे, तो देखिए सबसे पहले आपके आते हैं बाह्य कोण, तो बाह्य कोण कौन से होते हैं, आप बाह्य कोण की अगर हम बात करें तो बेटा बाह्य कोण होंगे कोण एक, कोण दो, कोण सात और कोण आठ। दूसरे नंबर की बात करें तो बेटा अंतः कोण आते हैं, और अंतः कोण का नाम से पता लग रहा है अंदर की तरफ, तो अंतः कोण हो गए कोण तीन, कोण चार, कोण पाँच और कोण छः, ये बात आप सभी जानते हैं अंदर की तरफ बन रहे हैं आपके अंतः कोण कहलाते हैं। अब यहाँ पर देखिए एक नोट याद रखना आप सभी बच्चों को, ये नोट आपको तभी याद रखना है जब दोनों रेखाएं समांतर हों और इनको एक तिर्यक रेखा काटे, ठीक है। क्या है नोट, तिर्यक रेखा के एक ही तरफ, तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बने अंतः कोणों का योग एक सौ अस्सी डिग्री होता है। तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बने अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है, यह बात आप याद रखेंगे। कैसे याद रखेंगे मैं बताता हूं, देखिए यह आपकी तिर्यक रेखा है, यह आपकी तिर्यक रेखा है, और इस तिर्यक रेखा के या तो इधर की तरफ या उधर की तरफ, या तो आप बोलो लेफ्ट या बोलो राइट, एक ही तरफ लेना, कहीं भी ले लो आप, ठीक है। तो यह आपकी तिर्यक रेखा है, इसके एक ही तरफ मैंने इधर ले लिया, कौन कौन से अंतः कोण बन रहे हैं, अंतः कोण देख रहे हैं आपको, कौन से कोण देख रहे हैं, अंतः कोण। तो आप देखिए तिर्यक रेखा के एक ही तरफ अंतः कोण है तीन और छः, तो ध्यान रखना कोण तीन और कोण छः का योग हमेशा 180 डिग्री होगा। ये बात ही आप याद रखेंगे कि तिर्यक रेखा, ये तिर्यक रेखा है, इसके एक ही तरफ इधर की तरफ कोण तीन और कोण छः, अंतः कोणों का योग कितना होगा, 180 होगा। ऐसे आप देखिए इस तिर्यक रेखा की दूसरी तरफ कौन कौन से अंतः कोण बन रहे हैं, चार और पाँच, इनका योग भी बेटा याद रखेंगे हमेशा 180 डिग्री होता है। तो इससे आप एक बात याद रखेंगे, बहुत ये लाइन आपके सबसे ज़्यादा काम आएगी, समांतर चतुर्भुज हो, सम चतुर्भुज हो, आयत हो, वर्ग हो, तो इसमें देखिए आप देख पाएंगे कि एक ही तिर्यक समा दो समांतर रेखाएं हैं उनको तिर्यक रेखा काट रही है, तो एक ही तरफ के अंतः कोणों का योग 180 होता है, और ये चीज़ आपके वहाँ काम आएगी समांतर चतुर्भुज के अंदर। तो आपको जब समांतर चतुर्भुज हम पढ़ेंगे, जब चतुर्भुज पढ़ेंगे तो हम समांतर चतुर्भुज और सम चतुर्भुज पढ़ेंगे, और वहाँ पर मैं बताऊँगा देखिए बेटा ये पॉइंट आपका यहाँ पर काम आया है, ठीक है। तो जब भी दो रेखाएँ समांतर हों उनको एक तिर्यक रेखा काटे, तो तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बने अंतः कोणों का योग हमेशा 180 डिग्री होता है। तो ये पॉइंट आप उतार लें, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है ये, ध्यान रखना बेटा। ये लाइन देखिए मैंने पिछली बार नहीं लिखाई थी, कब नहीं लिखाई थी, जब ये दोनों रेखाएं प्रतिच्छेदी थी, क्योंकि वहां पर ये नियम नहीं होता है, लेकिन जब रेखाएं कैसी हों, समांतर हो और उनको एक तिर्यक रेखा काटे, तब आपको ये पॉइंट याद रखना है, ओके। तो स्क्रीनशॉट ले लें ताकि मैं आगे बढ़ पाऊं और भी नई बातें आपको बता पाऊं। अब देखिए प्यारे बच्चों, मैं आप समझता हूँ आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, अब आगे बढ़ते हैं तीसरा पॉइंट। अब देखिए बेटा तीसरा पॉइंट की जब हम बात करेंगे तो तीसरा पॉइंट आपका आता है बेटा बाह्य, सॉरी एकांतर कोण। अब देखिए बेटा एकांतर कोण की जब बात करेंगे तो एकांतर कोण के भी दो टाइप होते हैं, एकांतर अंतः कोण, एकांतर बाह्य कोण। उनको पढ़ना ऐसा कोई नेसेसरी नहीं है कि भाई पढ़ना जरूरी है, उनके बगैर पढ़े भी काम चल जाएगा आपका, तो चल रहा है इसलिए मैं चला रहा हूँ काम। अब आगे देखिए एकांतर कोण, मैंने कहा था जेड आकृति बनती है,
तो इधर देखिए ये जैड़ा करती है, देखिए आप सभी देखिए जैड़ा कर दी, देखिए सबको आप देखिए ये जैड एकदम प्रॉपर बन रहा है, प्रॉपर जैड बन रहा है ना, बिल्कुल प्रॉपर जैड। तो ध्यान रखना है कौन कौन से बन रहे, कौन कौन तीन और कौन पाँच एकांतर कौन होंगे। और ऐसे आपके देखिए उल्टा जैड भी बन रहा है, तो कौन चार और कौन छः, कौन चार और कौन छः भी क्या होंगे, बराबर होंगे, सॉरी कौन चार और कौन छः आपके एकांतर कौन होंगे। ठीक है, अब एक बात सुन लीजिए, जब दो रेखाएं समांतर हो और उनको एक तिर्यक रेखा काटे तो इस कंडीशन पर एकांतर कोण बराबर होते हैं, एकांतर कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। और बेटा एकांतर कोण बराबर होंगे तो इसका मतलब है कोण तीन बराबर होगा कोण पाँच के और कोण चार बराबर होगा कोण छः के। तो यहाँ पर एकांतर कोण आपस में बराबर होंगे, ये बात आप याद रखेंगे। लेकिन जब मैंने पिछली कंडीशन पढ़ाई थी कि दो रेखाएं जब वहाँ पर प्रतिच्छेदी थी, कैसी थी बेटा प्रतिच्छेदी थी, तब एकांतर कोण बराबर नहीं हुए थे, है ना, याद रखना ये बातें। ठीक है, अब आप पुराना डायग्राम और इस डायग्राम को देखेंगे तो आपको अंतर समझ में आ रहा होगा इसमें क्या नई बातें हैं और उसमें कौन सी नई बात नहीं है। ठीक है बेटा, चौथा पॉइंट की बात करूँ, इसको मैं हटा दूँ, कोई परेशानी तो नहीं है, एकांतर कोण आपका है ना। ठीक है, पांचवा पॉइंट, आप चौथा पॉइंट आता है आपका संगत कोण। अब आप देखो संगत का मतलब मैं बता चुका हूँ, संगत का मतलब होता है एक जैसी स्थिति। तो मुझे बताइए एक का संगत क्या होगा, एक का संगत क्या हो जाएगा पाँच, तो एक का संगत आपका हो जाएगा बेटा पाँच। दो का संगत क्या हो जाएगा, तो दो का संगत हो जाएगा छः, कौन दो का संगत हो जाएगा कौन छः। ऐसे देखिए तीन का संगत क्या हो जाएगा सात। ठीक है, मैंने कहा ना इसका मुख देखना है, मुख किधर की तरफ है। और चार का संगत क्या होगा आठ, कौन चार का संगत हो जाएगा आठ। ये तो हो गए संगत कौन। लेकिन बेटा जब दो समांतर रेखाओं को जब एक तिर्यक रेखा काटती है तो संगत कोण भी बराबर होते हैं, संगत कोण क्या होते हैं बेटा बराबर होते हैं। और संगत कोण अगर बराबर होते हैं तो एक बात बताइए, एक किसके बराबर हो जाएगा पाँच के, दो बराबर हो जाएगा छः के, तीन बराबर हो जाएगा सात के और चार बराबर हो जाएगा आठ के। तो यहाँ पर संगत कोण आपस में बराबर होते हैं जब दो समांतर रेखाओं को जब एक तिर्यक रेखा काटती है। ठीक है, संगत कोण बराबर होते हैं, एकांतर कोण बराबर होते हैं। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे क्या संगत कोण हमेशा बराबर होते हैं, तो आप कहोगे नहीं, संगत कोण बनते जरूर हैं लेकिन बराबर हमेशा नहीं होते। कब, देखिए आपको मैंने बताया, पहले बताया था जब दो प्रतिच्छेदी रेखाओं और उनको एक तिर्यक रेखा काट रही है तो संगत कोण बनते जरूर हैं लेकिन बराबर नहीं होते। ठीक है, लेकिन जब दो रेखाएं समांतर हों और उनको एक तिर्यक रेखा काट रही हो तो संगत कोण बनते भी हैं और बराबर भी होते हैं। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें ताकि मैं इन दोनों डायग्राम में आपको अंतर समझा पाऊँ। अगला नेक्स्ट पॉइंट, अगर आपको इनका डिफरेंस ही समझाना है कि जब रेखाएं समांतर हों और उनको तिर्यक रेखा काटे और जब रेखाएं आपकी प्रतिच्छेदी हों और जब उनको तिर्यक रेखा काटे। ओके, मैं समझता हूं आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं आगे बढ़ता हूं इसमें, नेक्स्ट पॉइंट ये हटा दूं मैं। ठीक है, अब जिससे आपको दोनों में डिफरेंस समझ में आए बेटा, और देखिए मेनली डायग्राम आपका जो है ना वो यही है जहाँ रेखाएं समांतर हों, क्योंकि ये आपके सबसे ज़्यादा काम आएगा। आने को तो वो भी कहीं ना कहीं काम आ सकता है, लेकिन आपका मेनली जो काम आएगा वो आएगा जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटे, मतलब बाद वाला। ठीक है, तो अब एक बार हम दोनों में डिफरेंस देख लेते हैं जिससे हमें थोड़ा सा और अच्छा क्लियर हो जाए। देखिए पहले मैंने रेखाएँ ली थी प्रतिच्छेदी, कैसी ली थी प्रतिच्छेदी रेखाएँ ली थी और इनको काटी थी बेटे एक तिर्यक रेखा, कुछ इसी टाइप से था रहेगा। और अब की बार मैंने लिखी है रेखाएं समांतर और इनको काट रही एक तिर्यक रेखा इस टाइप से। ओके, यहाँ पर रेखाएं प्रतिच्छेदी हैं और यहाँ पर रेखाएं समांतर हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं आठ कोण बनेंगे, एक दो तीन चार पाँच छ सात और आठ। ठीक है, यहाँ पर एक दो तीन चार पाँच छ सात और आठ, सही। अब इसमें क्या नई बात है, इसमें क्या नई बात है, अब की बार मैं लिखूंगा नहीं, केवल मुंह से बोल के बताऊंगा, क्योंकि मैं ये समझता हूं कि आप नोट्स बना रहे हैं प्रॉपर तरीके से, नोट्स बना रहे हैं आप। और जब आप नोट्स बना रहे हैं तो आपको दोनों डायग्राम आपने बनाए होंगे, तो दोनों डायग्राम आप देखिए अंतर क्या होता है।
देखिए पहले बात करते हैं हम बाह्य कोण की, तो बाह्य कोण यहाँ पर होता है 1, 2, 7 और 8, यहाँ भी बाह्य कोण होते हैं 1, 2, 7 और 8, इसमें मैंने कुछ भी अलग नहीं बताया था, सेम बताया था। दूसरे नंबर की बात करें तो आपको बताए थे अंत्यकोण होते हैं 3, 4, 5, 6, बस इतना बताया था इसमें। लेकिन इसमें बताया था अंत्यकोण 3, 4, 5, 6 होते हैं, और इसमें एक लाइन लिखाई थी इस वाले में नोट डाल के, जब तिर्यक रेखा के एक ही तरफ, तिर्यक रेखा ये है, तिर्यक रेखा इसके एक ही तरफ बने अंत्यकोणों का योग 180 होता है, इसका मतलब 3 और 6 का योग 180 होगा, और यहाँ पर 4 और 5 का योग भी कितना होगा, 180 होगा। तो तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बने अंत्यकोणों का योग 180 होगा, ये बात मैंने बताई थी आपको अलग से। इसमें यहाँ पर बताया था जैड आकृति बनती है तो एकांतर कोण बनते हैं, ये कोण 3 और कोण 5, ऐसे कोण 4 और कोण 6, ये एकांतर कोण है, यहाँ भी एकांतर कोण है, 3 का एकांतर 5 है, 4 का एकांतर 6, लेकिन यहाँ एकांतर कोण बराबर होते हैं इस वाली कंडीशन में, ठीक है। वो आपने सबने लिख रखा है नोट्स में, आप देखिए, है ना। और एक संगत कोण बताए थे 1 का 5, 2 का 6, 3 का 7 और 4 का 8, इसमें भी पढ़ा था हमने ये चीज़, तो 1 का 5, 2 का 6, 3 का 7 और 4 का 8, लेकिन यहाँ पर मैंने एक बात अलग से बताई थी, यहाँ पर एकांतर कोण बराबर भी होते हैं, ठीक है। तो ये दोनों में डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा कि दोनों डायग्राम में आपने क्या डिफरेंस पढ़ा। अब देखिए आपको मेनली जो याद रखना है वो याद रखना है ये वाला डायग्राम, कौन सा, जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है ऐसे। अब देखिए प्यारे बच्चों, अब ये दो समांतर रेखाओं को जब एक तिर्यक रेखा काटती है, अब यहाँ पर आपको पता है 8 कोण बनेंगे, अगर 8 कोण में से आपको एक कोण भी पता है ना, बाकी सब के मान आप निकाल सकते हो। देखिए बेटा, जैसे इस वाले कोण का मान 60 डिग्री है, मान लीजिए इस वाले कोण का मान 60 डिग्री है, तो इसके सामने वाले कोण का मान भी कितना डिग्री होगा, 60 डिग्री होगा। ये आपस में बराबर क्यों होंगे, क्योंकि ये होते हैं शीर्षाभिमुख कोण। ये बात मैं आपको बता चुका हूँ कि जब भी दो लाइन एक दूसरे को काटती है तो ये जो कोण बनते हैं ये आपस में शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं, सही है। अब आगे देखिए, ये सीधी रेखा है और सीधी रेखा पर कितना कोण बनता है, 180 बनता है, सीधी रेखा पर 180 डिग्री का कोण बनता है। बेटा ये 60 है तो बगल वाला होगा 120, कितना होगा 120, और बेटा ये 120 है तो सामने वाला भी होगा 120, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण है। सीधी रेखा पर 180 का कोण बनता है, ये 60 है तो 120 हो जाएगा, ये 120 है तो ये भी 120 हो जाएगा। अब आपने पढ़ा है, क्या पढ़ा है, कि जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो संगत कोण आपस में बराबर होते हैं, एकांतर कोण भी हमेशा बराबर होते हैं। तो आप देखिए ये जैड आकृति बन रही है, सभी को दिख रही होगी जैड आकृति, देखिए जैड आकृति आप सभी को दिखाई दे रही होगी, ठीक है बेटा। ये 60 है तो बेटा ये भी क्या होगा, 60 होगा, और ये 60 है तो सामने वाला भी 60 होगा, और बगल वाला क्या होगा, 120, क्योंकि सीधी रेखा पर 180 का कोण बनता है, और ये भी कितना हो जाएगा, 120। इस तरीके से आप देख पा रहे हैं, हमें केवल एक कोण पता था 60 डिग्री, पर हमने सारे कोण निकाल लिए, सारे कोण कितने, 8 कोण थे, 8ों के 8ों हमने निकाल लिए। अब बेटा थोड़ा सा तबीयत डाउन है, इस वजह से थोड़ा वीडियो लेट आ रहा है, तो उसके लिए मुझे बड़ा खेद है, ठीक है। बाकी मैं कोशिश पूरी कर रहा हूँ रेगुलर वीडियो बनाने की पूरा, ठीक है। मैंने आपको एक वादा किया है, जुलाई से पहले पहले आपका कंप्लीट कोर्स कराना है, बिल्कुल कराना है, मुझे याद है, ठीक है। तो आप देखिए बेटा, ये मैंने आपको बता दिया, इसकी प्रैक्टिस अपन करेंगे अगली क्लास में, हम दो जो रेखाएं और कोण पर जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उन क्वेश्चनों को हम एक एक करके हल करेंगे, ठीक है। काफ़ी सारे मैं क्वेश्चन कराऊंगा, लगभग 30 से 40 क्वेश्चन मैं कराने वाला हूँ, जिसमें आपको मैं शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा, इसमें शॉर्ट ट्रिक आप लगा सकते हैं, इसमें ये आप कंसेप्ट लगा सकते हैं, इसमें ये भी कंसेप्ट लगा सकते हैं, तो आपको वो नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। इसी के साथ मैं यहाँ अलविदा लेता हूँ, और नेक्स्ट क्लास जल्द से जल्द आपको अपलोड की जाएगी।